नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको गुजरात के पाटन में लेकर आया हूं। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं अकबर के मुख्य सेनापति, जिन्होंने अकबर को मात्र 14 वर्ष की आयु में राजगद्दी पे बिठाया, उनके सर पे ताज लगाया और खान बाबा के नाम से कहलाने वाले बैरम खां के मकबरे में। और दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो मकबरा है, ये हमें 16वीं शताब्दी के 1561 के उस समय की पूरी बातों से जोड़ेगा, जिस समय मुबारक खान लोहानी ने अकबर के मुख्य सेनापति बैरम खां की यहाँ पर कर दी थी हत्या। तो दोस्तों आज हम सामने का जो पूरा ये चकोर एक मकबरा देख रहे हैं, ये है बैरम खान का मकबरा। और दोस्तों ये वही बैरम खां है जिन्होंने अकबर के पिता हुमायूं का भी साथ दिया था। और अनेकों युद्ध में जब हुमायूं के ऊपर बाहरी ओपोजिट वाली जब सेना, विरोधी पार्टी बहुत ज़्यादा भारी पड़ती, तो बैरम खां वहाँ पर अपना अहम योगदान निभाते और उन्होंने काफ़ी सारी लड़ाइयों में हुमायूं को जीत भी दिलाई थी। तो दोस्तों सबसे पहले आप इस मकबरे को देख सकते हैं जो कि गुजरात के पाटन में स्थित है। और इस मकबरे का जो आउटर लुक है वो एक स्क्वेयर फॉर्म में बना हुआ है, जिसके साथ साथ में इसके एक हिस्से पे बीच में बड़ा सा द्वार देखने को मिलेगा और जाली नुमा खिड़की देखने को मिलेगी, जिसपे काफ़ी बारीक पच्चीकारी का काम आपको देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसी के साथ में इसके ऊपरी हिस्से में छज्जेदार जो इसके टोडे बनाए गए हैं और इसके अंदर लाइट येलोइश सैंडस्टोन का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। और इस मकबरे को यहाँ पर 16वीं शताब्दी के समय में बनवाया गया था। तो दोस्तों मुख्य यहाँ पर आपको इस पूरे हिस्से में काफ़ी सारे जो अवशेष यहाँ पर इकट्ठे करके रखे गए हैं, ये दोस्तों पाटन के अंदर जो 745 ईस्वी के समय में जब पाटन को गुजरात की राजधानी बना दिया गया था, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मंदिर स्थापित किए गए थे और उन मंदिरों के ही जो अवशेष वगैरह हैं यहाँ पर सारे इकट्ठे किए गए हैं। वहाँ के अलग अलग पिलर वगैरह या जो शिखर वाला भाग होता है वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे होंगे। और दोस्तों ये जो बैरम खां है, इनका इतिहास में कुछ इस प्रकार से जिक्र आता है कि अकबर के राज सिंहासन पर बैठने के बाद में उस समय अकबर अवयस्क थे, छोटे बच्चे थे, और उनके जो करीबी थे ना दोस्तों, जैसे कि उनकी दाई माँ थी, महामंगा हो गई, तो वो अकबर के साथ में रहती थी। और जो बैरम खां थे वो मुगल सेना के मुख्य प्रधान के रूप में काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं महामंगा और बैरम खां के जो आपस के संबंध थे ना, व्यवहारिक तौर पर वो सही नहीं थे और वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट थे, क्योंकि दोनों अकबर के क्लोज भी थे। तो ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि बैरम खां के खिलाफ महामंगा जो थी, दिन प्रतिदिन अकबर को अलग अलग शब्दों में भरने लगी और उनको कुछ इस प्रकार से बताने लगी कि ऐसा ना हो कहीं कि अकबर तुम्हारी छोटी एज की वजह से बैरम खां मुगल सल्तनत के बादशाह ना बन जाए। तो ये वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं अकबर, क्योंकि वो छोटे भी थे और इतना निर्णय लेने के काबिल भी नहीं थे, इसीलिए कुछ समय की ऐसी बात आती है कि अकबर और बैरम खां के संबंध भी कहीं ना कहीं बिगड़ने लगे। तो दोस्तों इतिहास को मैं और आगे बताऊंगा और आप पहले यहाँ देख लीजिए कि बैरम खां का जो पूरा मकबरा है, बीच में यहाँ पर एक कब्र बनाई गई है और इनका जो संबंध था दोस्तों वो तुर्क से था। तो यहाँ पर आज भी तुर्क के लोग जब आते हैं घूमने के लिए तो बैरम खां के मकबरे को आवश्यक तौर पर देखते हैं। ऊपर की तरफ का जो इसका भाग है, अधिकांश ऊपर वाला टूट चुका है, यहाँ पर बड़े बड़े मधुमक्खियों के यहाँ पर छत्ते बने हुए हैं दोस्तों। और इस पूरे मकबरे की जो विशेषता वो ये बनती है कि 16वीं शताब्दी में पाटन में स्थित है ये वाला मकबरा। इसकी जो नीचे वाली वॉल है वो देख सकते हो तकरीबन 3-3.5 फीट चौड़ी बनी है, बड़े बड़े इसमें सैंडस्टोन लगाए गए हैं। और आपने ये भी देखा होगा कि मुगल शासनकाल के समय के बाद से जितने भी मकबरे बनने शुरू हुए ना, वो स्क्वेयर फॉर्म के बनते थे और उनके जो पहले के शासक थे यानी कि लोधी डायनेस्टी की बात करते हैं तो उनके ज़्यादातर जो मकबरे हैं वो ऑक्टागनल शेप में बनते थे। तो इस प्रकार से हम बैरम खां के इतिहास को जब आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा सुनने में आता है दोस्तों कि मेन यदि हम बात पानीपत के युद्ध की करते हैं यानी कि 1556 की करते हैं, या फिर उसके आसपास जितने भी युद्ध होते थे अकबर जिसमें मेन राजा होते थे, शासक होते थे, तो बैरम खां से जो मोहम्मद खान लोहानी है उनके पिता की हो जाती हत्या। और दोस्तों इस वियोग में, इस गुस्से में, इस दुख में
जो मोहम्मद खान लोहानी थे ना, जो कि मेवात के थे, उन्होंने ठान लिया था कि मैं बैरम खान को मारूंगा। और उनका ये वाला जो ड्रीम था या ये जो उनका बदला था, वो 1561 में कब पूरा होता है दोस्तों, जब महामंगा अकबर को कहती हैं कि भाई तुम बैरम खान को है ना मक्का मदीना भेज दो, ताकि आप यहाँ पर रहेंगे और आपकी सत्ता पे किसी की नज़र भी नहीं होगी। तो महामंगा की ये वाली बात सुनकर, क्योंकि अकबर के जो क्लोज थे उनके घर के लोग, वो उनको राजनीति के कुछ अलग अलग जितने भी निर्णय थे वो भी उनको देते रहते थे। तो अकबर ने कहा कि भाई बैरम खान यानी कि खान बाबा, आप मक्का चले जाइए। और उस समय बताते हैं 1561 के वक्त में कि जो मुबारक खान लोहानी थे, उनको मौका मिला और उन्होंने अफगान के लोगों के साथ मिलकर बैरम खान को इस स्थान पर घेराबंदी किया और उनकी यहाँ पर हत्या कर दी। तो दोस्तों आज जो सामने हम मकबरा देख रहे हैं, ये है बैरम खान का मकबरा, जिनका इतिहास में नाम हुमायूं और अकबर के समय में आता है। वैसे बताते काफ़ी विश्वास के पात्र थे, इतिहासकार इनको लेकर ये भी लिखते हैं कि इन्होंने कभी भी मुग़ल सल्तनत के खिलाफ कभी भी, कहते हैं ना वो चीटिंग वाला काम नहीं किया, मतलब उनके कभी विरोध में नहीं गए। तो इतिहासकारों के भी यहाँ पे कुछ अलग अलग मत होते हैं। अब दोस्तों हम आसपास के कुछ इमारतों पे और यहाँ पे नज़र डालते हैं। सामने की तरफ आपको बहुत सारे पिलर वाला एक इमारत दिखाई दे रही है, जिसका ऊपरी भाग बिल्कुल टूट चुका है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिलर दिख रहे हैं। और दोस्तों इस स्थान को कहते हैं शेख फरीद जी की मज़ार। यहाँ पे लोग आते हैं, मत्था वगैरह टेकते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। और इनका जो समय है वो भी तकरीबन 16th century के आसपास ही बताया जाता है। और यहाँ पर जो शेख फरीद यानी कि संत थे, और उनके जो करीबी, उनके जो मित्र हैं, उनके जो भाई लोग हैं, वो सब यहाँ पर ही उनके साथ में आज आप उनकी कब्र को देख पा रहे हो। तो लोगों की यहाँ पर काफ़ी आस्था भी जुड़ी है और लोग यहाँ पर आते हैं। और इन्हीं इमारतों के बीच में एक इमारत ये भी दिखाई दे रही है दोस्तों आपको, जिसमें 12 दरवाजे हैं। तो इस प्रकार की इमारतों को वैसे तो हम लोग बारादरी के नाम से कह देते हैं, जिसको हम रेस्ट हाउस बोल सकते हैं, ठंडी हवा लेने का स्थान बोल सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जब कभी भी राहगीर लोग यहाँ पर आते जाते रहे होंगे तो इस इमारत को पहले तामीर किया गया होगा। तो इसके जो 12 दरवाजे हैं वो कुल इस प्रकार से बने हुए हैं, हर दिशा में 3-3 दरवाजे हैं। और ये बाहर से देखने में तो हमें एक तरफ के 3 दरवाजे दिखेंगे, लेकिन इनके कॉर्नर पे है ना इस प्रकार की आर्च दे दी गई है, जिस आर्च से अंदर की जो शेप है ना वो थोड़ी सी राउंड हो जाती है। और ये राउंड करने की वजह ये थी दोस्तों कि ऑक्टागनल ये अंदर से इसलिए बनी क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा डोम बनाना होता है, और जब कभी भी स्क्वेयर फॉर्म के ऊपर डोम बनाना होता है ना तो उसमें स्क्विंच मेथड का यूज़ किया जाता है, जिस स्क्वेयर को डोम बनाने के लिए 8, 16, 32, 64 इस प्रकार की शेप देने के लिए अंदर की तरफ से यहाँ पे इन्होंने ऐसे एक आर्च बना दी है। और इसी के साथ साथ में यदि आप अपनी नज़रों को सामने वाले हिस्से में डालेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप उन मंदिरों के काफ़ी सारे अवशेषों को देख सकते हैं, खंडरों को देख सकते हैं। तो ये जो प्लेस है ना दोस्तों, ये समय समय पर अपनी पहचान इसने बदली है। पहले यहाँ पर हो सकता है कि दूसरी इमारतें रही होंगी, फिर उन इमारतों के ऊपर यहाँ पे आने वाले शासकों ने अपना यहाँ पर अधिकार किया, तो उन्होंने भी शक्ति बल का प्रयोग करके यहाँ पे अपने लोगों को स्थापित किया और उन लोगों की याद में कुछ अलग अलग इमारतें यहाँ पे एस्टेब्लिश की। तो बैरम खां को लेकर कहा जाता है कि यही उनका वो मकबरा है जो आज गुजरात के पाटन में स्थित है, यहीं पर शेख फरीद की मज़ार भी है, और यहीं पर है दोस्तों सामने की तरफ बनी हुई एक ऐसी पुरानी खंडर जिसे हम बारादरी का नाम दे रहे हैं। इसे कुछ लोग रूइंस ऑफ पाटन भी कहते हैं, यानी कि पाटन के खंडरों में इसको शामिल किया जाता है। और ये वाला स्थान कहाँ पड़ता है दोस्तों, सहस्त्रलिंग सरोवर से ना जब आप थोड़ा सा आधा किलोमीटर आगे की तरफ आएंगे ना तो वो आपको स्थान जोड़ देगा इन हिस्सों से। तो मैं इन पत्थरों को देखकर ये भी नहीं कह सकता कि पहले यहाँ पे मंदिर रहे होंगे, बस क्योंकि ये सारे पत्थर यहाँ पे लाकर रखे गए हैं, स्टोर किए गए हैं। सो दोस्तों आज हमने पहली बार ये देखा कि जो बैरम खां थे उनके बेटे का मकबरा दिल्ली में दोस्तों रहीम खान ने खाना, और ये वही रहीम खान ने खाना है जो अकबर के समय में कवि भी रहे हैं, लेखक भी रहे हैं, और उनके नवरत्नों में भी शामिल थे दोस्तों ये। और रहीम खान ने खाना ने अपने पिता के बारे में काफ़ी सारी बातें भी लिखी हैं। और रहीम खान ने खाना का जो मकबरा है दोस्तों, आज के वक्त में उनका जो ऊपर का डोम है ना, वहाँ के सारे पत्थर उतार लिए गए थे जब दिल्ली में सफदरजंग के मकबरे को बनवाया गया था।
और ऐसा बताते उस समय 20,000 रुपए में उनके ऊपर के जितने भी संगमरमर के पत्थर थे ना वो सारे के सारे उतार ले गए थे। तो दिल्ली में एकमात्र ऐसा मकबरा है जो ऊपर से गंजा दिखाई देता है, जिसे बोलते हैं रहीम खाने खाना का मकबरा। सो यहाँ पर हमने इतिहास को देखा, हमने ये भी समझा कि पाटन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें शामिल हैं। तो दोस्तों हम अपनी बहुत सारी वीडियोस पाटन के लेकर आएंगे, जिनमें से रानी की वाव भी होगी, सहसलिंग सरोवर भी होगा, यानी कि आज से तकरीबन 1200 वर्ष पुराना वो सिस्टम जहाँ पर यहाँ के राजा ने, यहाँ के नरेश ने लोगों के लिए तालाब सरोवर बनाया था, वो स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर सरोवर में पानी आने के लिए एक व्यक्ति ने खुद का बलिदान दिया था। तो काफ़ी सारे पॉइंट हैं जो हमें पाटन के इतिहास से जोड़ेंगे। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखेंगे क्या कुछ देखने मिलता है। तब तक ले जय हिंद।